आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। मेरा नाम शबाना है, मैं चंद्राम भुट्टे पे रहती हूँ और ये मेरी बहन है, छोटी बहन, इनकी लड़की है, फर्स्ट डिलीवरी थी। अलारे हॉस्पिटल में जो है मैं ट्रीटमेंट करा रही थी बच्ची का, और वहीं पे चेकअप करा रहे थे, सब करा रहे थे। बच्ची को 9 मंथ्स ख़त्म होने को आए, तो कल हम लोग फिर चेकअप को आए थे रात में, तो डॉक्टर क्या बोले, एडमिट हो जाओ, और डिलीवरी हुई तो हो जाती माँ, अगर नहीं हुई तो डिलीवरी फिर डिस्चार्ज कर देते, पेन से दाव बने। फिर रात में हम लोग एडमिट कर दिए थे बच्ची को, रात में 1:30 बजे रात से पेन शुरू है बच्ची को। रात में नाइट ड्यूटी के डॉक्टर्स भी थे और सुबह में फर्स्ट शिफ्ट के भी डॉक्टर्स थे, 3:30 बजे तक भी थे डॉक्टर्स। बच्ची को जो है 1 बजे से पेन शुरू हो रहे, बहुत पेन हो रहे, तो मैं जा रही हूँ घड़ी घड़ी बोल रही हूँ, आने तो नहीं, और टाइम है बोले, तो चलो भाई अभी टाइम है बोल रहे ना, नॉर्मल डिलीवरी होती बोल रहे ना, बल्कि हम लोग थे वहाँ पर, और वहाँ पर जो है आज ऑपरेशन करे थे वो हॉस्पिटल में, 6-7 पेशेंट्स के ऑपरेशन करे थे, वो लोग उसमें बिजी थे और ये बच्ची को केयर नहीं करे। लास्ट में ऑपरेशन हो गए, पूरे डॉक्टर चले गए, और 5:30, 5:30, 6 बज रहे थे, बच्ची बहुत तड़प रही, तो फिर मैं गई जाके अंदर पूरा ढूंढी, ना कोई एक डॉक्टर मौजूद है, ना कोई नर्स है, और ना कोई आया है वहाँ पर, सिर्फ एक ट्रेनिंग की एक छोटी सी बच्ची सिस्टर है वहाँ पर, वो बच्ची को बराबर देखना भी नहीं आ रहा, बच्ची तड़प रही, माँ बोल तो ठीक है अंदर लेके आ जाइए लेबर रूम में बोले। मैं जब लेबर रूम में ले लेके गई तो बच्ची कोई डॉक्टर को कॉल करके बच्ची को चेकअप कर रही, ऐसा मतलब ये बात तो मैं नहीं बोल सकती कि चेकअप कैसा कर रही हूँ, और डॉक्टर फोन पे उसको एडवाइस दे रही कि ऐसा देखो, बच्चे वैसे चेकअप करके बोल रही कि मैडम ऐसा है। तो एक ट्रेनिंग वाली जो है बच्ची लेबर पेंस में जो फर्स्ट डिलीवरी थी बच्ची की, वो बच्ची को चेकअप कर रही, ना कोई डॉक्टर आया वहाँ पर, ना आया आई, ना दाया आई, और ना कोई नर्स आई वहाँ पर। इफ्तारी के बाद में बच्ची बहुत तड़प रही, इफ्तारी के बाद में 8:30 को एक नर्स आया वहाँ पर, सालेहा मैडम बोल के है बेचारा, उन्होंने सीनियर नर्सिस है, उन्होंने भी डिलीवरियाँ करेगा थे, लेकिन डॉक्टर की मौजूदगी ज़रूरी थी वहाँ पर, बच्ची की सेकेंड डिलीवरी नहीं थी, फर्स्ट डिलीवरी थी वहाँ पर, तो कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पर। मैं रिसेप्शन पर नीचे कॉल करी, सर यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, बच्ची को पेन्स बहुत हो रहे, तो आ रहे वहाँ पर आ रहे सिस्टर आ रहे बोले, 8:30 को सिस्टर आए, बच्ची की इतनी मुश्किल से डिलीवरी हुई, 3-3.5 घंटे तो बच्ची की। आपको जो डॉक्टर को बतला रहे हैं कंटिन्यू डे वन से, वो डॉक्टर का नाम क्या है उनका? सालेहा। उन्होंने अभी आप बता रहे फिर उन्होंने नर्स है? नहीं नहीं, डॉक्टर का नाम भी सालेहा है और अच्छा। नर्स का नाम भी सालेहा है जी। तो वो डॉक्टर आपको जो है ट्रीटमेंट के वक्त में, प्रेगनेंसी के वक्त में नहीं आए? नाइट शिफ्ट में कोई डॉक्टर नहीं आया वहाँ पर जी। 8:30 के बाद में एक नर्स आए, एक दाया आए बस। तो आप लोग जो है आप लोग जो है अब जिस तरीके से यहाँ मेटर्निटी हॉस्पिटल को आए, तो आप बिफोर पहले से क्यों नहीं आप लोग जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जो है प्रेफरेंस दिए? ये बच्ची का फर्स्ट डिलीवरी था जी, और ये मेरी बहन जो है काम की जाती है गवर्नमेंट दवाखाने को, तो एक सुबह से आने का रहता है यहाँ पर, शाम हो जाती है, और फर्स्ट डिलीवरी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो है अटेंडर को किसी को साथ में नहीं रखते, डिलीवरी के टाइम पर बच्ची को लेबर रूम में डाल देते, मतलब वो हैबत के मारे वहाँ पर जो अला हॉस्पिटल है इसमें समझो। कहाँ पर है ये हॉस्पिटल? ये बल्लागुड़े पे है। अभी क्या हुआ, चार्जेस क्या लिए आपसे नॉर्मल के? जो है 7,000 नॉर्मल डिलीवरी के है, 18,000 जो है ऑपरेशन के बोले, लेकिन कल मैं एडमिट हुई ना, कल से लेके आज तक 1,000 रुपीज़ अलग ले लियो, फिर 7,000 जो है डिलीवरी के ले लिए, और हम लोग बोले बच्ची की सर डिलीवरी हुई 1/2 घंटा रहे, वहाँ नीचे रिसेप्शन से कॉल आया कि आप आके फीस पे करो, तो मैं जाके बोले फीस भी पे कर दी मैं, 3 घंटे हो गया ओला तक के अंदर, जब जो नर्स जो डिलीवरी करी ना, वो तो डॉक्टर को बुलाना था ना, डिलीवरी होके 1/2 आवर हुआ, डिलीवरी होके 1 आवर हुआ, बल्कि 3 घंटे हो गए, बाद में कोई डॉक्टर नहीं आया। और एक चीज़ है, आपको मालूम है या नहीं है, ऑलरेडी जो है फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है असरा हॉस्पिटल में आपको जो है फ्री रखे, फिर आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाके जो है? बच्ची का नाम राशन कार्ड में रहना चाहिए। अच्छा, ये लोग के पास राशन कार्ड नहीं जी, इस वजह से वहाँ पर नहीं ले लगे गए हम लोग, वहाँ पर कहीं भी जाओ राशन कार्ड ज़रूरी है, आधार कार्ड ज़रूरी है, बोले बच्ची का आधार कार्ड है लेकिन राशन कार्ड में नाम नहीं है ना, राशन कार्ड है लोग के पास, मेरी बहन के पास, तो अभी हॉस्पिटल में कम पैसे हो रहे ना, फर्स्ट डिलीवरी है ना, डिलीवरी के टाइम पे हम लोग को भी साथ में रखते ना, बल्कि हम ये तो ये डिलीवरी डॉक्टर ने करे समझो, नर्स करे डिलीवरी। अच्छा, और इतनी मुश्किल से डिलीवरी। और टोटल कितने चार्जेस लिए आपको? 9,000 रुपये तो खाली फीस हुई, दवाइयों के वह सब मिला के तो बढ़ के छुए पैसे। अभी पेशेंट का कंडीशन यहाँ आने के बाद में कैसा है? अभी मैं अभी बिल पे करें ना, वहाँ से बोल रही मैं जी, मेरे को रिसेप्शन से कॉल आया कि आप बिल पे कर दो, मैं बोली अभी बच्ची को तो अंदर लेबर रूम से बाहर नहीं लेके आना सर, मैं आ रही हूँ आके बिल पे कर रही हूँ,
तो ठीक है मैडम, आप आके बिल पे करो बोलते। मैं बोली आज ही पे करना है, कल भी पे करना है। जाके बिल पे करके जब हम ऊपर आए तो डॉक्टर जब आए, कितने दो घंटे के बाद में डॉक्टर आके आंवल निकालने की कोशिश कर, तो मतलब इन्फेक्शन हो जाता पूरा। डिलीवरी होके दो घंटे से ज्यादा हो गया, तो बच्चे की जान की जिम्मेदारी कौन लेते। तो जब तक कोई वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं, कोई जिम्मेदार जो है वहाँ पर, तो नर्स डॉक्टरों से बात कर रहे थे, इंजेक्शन दे रहे थे। फिर भी मैं बोली देखो बाजी, डिलीवरी होके इतनी देर हो गया, आंवल नहीं निकाले आप, इन्फेक्शन हो गई, बच्ची खत्म भी हो सकती। बोल तो नहीं नहीं मैं डॉक्टरों से बात करी, मेरे को इंजेक्शन बोले ज्यादा बात ना करो तुम। तो हम भरोसा करे थे उनके ऊपर करके, हम लोग बाहर ही बैठे हुए सब। मैं बिल पे करके जब ऊपर आए बाद में, डॉक्टर बोल रहे कोई बात अच्छी करने वालों को बुलाओ घर आदमी, तो मैं गई। तो देखो माँ बच्ची को आंवल अंदर फंस गई, सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ले लेके चल जाओ बोल के बोली। तो मैं जब गड़बड़ करी, तो बोले बच्ची को जब बिल पे करके आए बाद में और तीन घंटे के बाद में बोल रहे हो, बच्ची की जिम्मेदारी कौन ले, आप साथ में चलना, आप कराना पूरा और बच्ची की जान की जिम्मेदारी लेना बोली। तो मैं बोली मीडिया को बुलाती हूँ मैं और मैं वीडियो लेती हूँ, बल्कि वीडियो ऑन करते के साथ ही डॉक्टर एक रूम में भाग रहे हैं, सब एक एक रूम में भाग रहे हैं, मैं सबके पीछे जाके वीडियो ली। अभी हम लोग बोलने से गड़बड़ी करने से वो जो डिलीवरी करे ना वो नर्स, आप हमारे से फोन पे बात की है जब बता रहे थे कि जो है कोई आप नर्स को लेके आए बोल के बता रहे थे। हाँ मैं नर्स को पकड़ के लेके साथ में है अभी जी है, तो वो नर्स की भी गलती नहीं है क्योंकि बच्ची कल से तड़प रही थी, तो बेचारे वो एक नर्स आके केयर कर रहे थे बच्ची को, इंजेक्शन देना, चेकअप करना, सब कर रहे थे। आज डॉक्टर नहीं भी आया तो बेचारे उन्होंने आके डिलीवरी बहुत मुश्किल से भी बच्ची की डिलीवरी, और बहुत तड़पी बच्ची। अगर डॉक्टर कोई रहते तो बच्ची इतनी नहीं तड़पती थी, अगर दूसरी जैसी बच्ची रहती ना तो वहीं पे खत्म हो जाती थी टेबल पे, बहुत तड़पी आज बच्ची को। तो वो हॉस्पिटल में प्लासेंटा रिमूव नहीं करे समझो, यहाँ पर नहीं रिमूव करे, एम्बुलेंस में डाल कर यहाँ पर, अभी यहाँ अब यहाँ पर क्या है कंडीशन, रिमूव करे नहीं करे, रिमूव करे लेकिन डॉक्टर तो पहले बोले बच्ची का भरोसा नहीं है बोले। अच्छा जहर फैल गया बोले, बता रहे बच्ची का भरोसा नहीं है बोले, फिर अंदर जाके सर रिक्वेस्ट करी मैं तो अभी बुला के निकाल दिए वो, और जो है कल जो है स्कैनिंग करना है बच्ची की, करे बाद में थोड़ा बहुत आंवल अगर अटक के है तो करे कुछ करते बोल के बोले बस। अभी डिलीवरी में क्या हुआ उनको, बेटा या बेटी? बेटा हुआ। बच्चे की हालत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा 4.25 किलो का है। लेकिन ये जो नर्स है ना, नर्स की मेहनत बहुत है, मैं उनको गलत नहीं बोलती हूँ, हॉस्पिटल में जब काम कर रहे हैं तो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, मगर डॉक्टर्स नहीं करे समझो, कोई डॉक्टर नहीं है। और बिल पे करके आए बाद में जब ये बात बोली